तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल और आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। सर्दी का मौसम है और आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि फॉग ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बाइक राइड नहीं कर रहा, तो फिर मैं एक जगह पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास जो अभी न्यूज़ आई है वो न्यूज़ आई है पल्सर 150, ठीक है, डुअल डिस्क। देखो आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दो बाइक का, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। देखो तो सबसे पहले जो बाइक आई है वो आई है पल्सर 150 डुअल डिस्क, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इसका चर्चा में अभी ये बाइक चल रही है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आई है कि क्या क्या दिक्कत आई है देखने के लिए। देखो दिक्कत तो नहीं है, मतलब अगर आप लोगों को पल्सर के फ़ैन हो तो आप यार वो बाइक ले लो, बहुत आराम से उसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है, बहुत अच्छी तरीके से वो बाइक आई है। दूसरी बाइक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स 150 CC। देखो 150 CC दोनों बाइक 150 150, ठीक है। सबसे पहले मैं पल्सर की एक बात करता हूँ, तो पल्सर अगर आप लोगों को पसंद, अगर आप पल्सर के फ़ैन हो, पल्सर का जैसे कि अगर आपको पल्सर ज़्यादा ही पल्सर ज़्यादा ही पसंद है तो आप पल्सर ले सकते हो। लेकिन पल्सर के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पल्सर जो है वो 15 BHP की पावर देगा, जहाँ की मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स 15.6 BHP की पावर ज़्यादा देगा। अगर मैं कहीं ना कहीं आपसे ये बात भी एक और बात मैं आपके सामने शेयर करूं, तो दूसरी जो बात है वो आता है प्राइस जो है वो है पल्सर का थोड़ा सा कम है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का ज़्यादा है। अराउंड पल्सर पड़ रही है 70,000 के आसपास पड़ रही है, जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ आई है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आसपास। और अगर आप यहीं पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करते हो तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हमारी 84,000 की पड़ रही है। ये भी कुछ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्राइस में मिलेगी ये बाइक। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो जो दूसरी चीज़ है वो चीज़ है कि सबसे दोनों के अंदर सिमिलर। देखो सबसे पहले तो मैं सिमिलैरिटी बता रहा हूँ दोनों पे डुअल डिस्क है, ठीक है, ABS किसी में भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ABS किसी में भी नहीं है। दूसरा एक एक पॉइंट बता दो और जो आपको साथ के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दूँ। अगर आपको लुक चाहिए तो पर्सनली मुझे तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का लुक बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। पल्सर का लुक मुझे इतना खास पसंद नहीं है, वो अब आप अपने आप देख लो कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है, कौन सा ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरा अगर आप मीटर की बात करो तो यार मीटर कहीं ना कहीं आई कैची और काफ़ी अच्छा तो मुझे लगता है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर आपको पल्सर का भी देखें तो पल्सर का भी मीटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, डिजिटल है, एनालॉग भी है, मतलब फुल्ली अच्छा मीटर है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मुझे इतना खास पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो। दूसरा पॉइंट जो कि प्राइस पल्सर का, यार मैं जानता हूँ पल्सर का कम है, पल्सर अराउंड आप मान लो 70,000 आप मान के चलो 70,000 की आपको पल्सर मिल रही है। यहीं पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हीरो की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो पड़ रही है 150 CC, ठीक है, डुअल डिस्क में, तो मैं डुअल डिस्क की ही बात कर रहा हूँ, डुअल डिस्क का दोनों डुअल डिस्क में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो जो डुअल डिस्क का अमाउंट है वो आपको पड़ रहा है 84। आप 84 to 85 मान के चलो, 90 तक आप मान के चलो अगर आपको मानना है तो। देखो ऐसा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ये है, अगर आप पल्सर के फ़ैन हो तो आप पल्सर की तरफ जाओ, लेकिन अगर आप हीरो के फ़ैन हो तो आप हीरो की तरफ भी जा सकते हो, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हार्ट ऑफ द पार्ट यानी कि इंजन 15 BHP की पावर देगा हमारी पल्सर, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, जो कि हमारी है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो हमारी पावर देगी वो पावर देगी हमारी 15.6 BHP की पावर, अराउंड 6 पॉइंट ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की ज़्यादा है। दूसरा अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, यानी अगर आपकी जो जगह है वो विलेज साइड की है या फिर ऐसा है कि कुछ कुछ विलेज है, कुछ कुछ मतलब डेवलप ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब ज़्यादा डेवलप का मतलब आप दोनों साइड पे चलाने वाले शौकीन ऑफ रोडिंग भी करते हो और रोडिंग भी करते हो, तो फिर आप पल्सर की तरह जाओ, क्योंकि पल्सर के जो पीछे के जो शॉकर्स हैं वो दो शॉकर देते हैं आपको, काफ़ी अच्छे शॉकर्स हैं, बहुत बढ़िया शॉकर है, तो आप पल्सर को लो। लेकिन यहाँ पे सिंगल शॉकर की बाइक हमारी जो आती है, जो कि आज के टाइम में आपने FZ में देखा होगा, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा, हाईलाइट ही मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो फिर अगर आप ऑफ रोडिंग वाली एरिया है तो फिर आप यहाँ पे इस पे पल्सर 150 को ले सकते हो, डुअल डिस्क में ले सकते हो। सेफ्टी दोनों में डुअल डिस्क है, दोनों के डुअल डिस्क के साइज़ दोनों के दोनों सेम है। यहीं पे एक अगर मैं आपको कंडीशन और बताऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का जो पीछे का टायर है, जो रियल व्हील है, वो व्हील काफ़ी मतलब हैवी है,
थोड़ा सा हैवी है। यही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की बात करूँ तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं एक आधा mm का फ़र्क है, 10 mm का फ़र्क रहता है, क्योंकि 13 mm होता है, 110 होता है, 120 mm होता है, 130 होता है, 140 होता है, उसके बाद जितने भी आगे आगे होता है तो इसमें होता है। अगली जो मैं आपको कंडीशन बता दूँ कि या सिटिंग पोस्चर, देखो सिटिंग पोस्चर अगर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चला रहे हो तो थोड़ा सा वो आपको स्पोर्टी लुक लगेगा, ठीक है। यही पे अगर मैं आपके बात करूँ कि माइलेज की, माइलेज जो है वो हमारा पल्सर ज़्यादा दे रही है, पल्सर अराउंड 60 का देगी, कंपनी 66-70 बोलती है, लेकिन 60 का वो एवरेज देगी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 60 का एवरेज अच्छी खासी देगी अगर आप ज़्यादा क्लच का यूज़ नहीं करते हो तो। अगली जो अब हमारी जो कि हमारी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर एक सबसे बड़ा दिक्कत जहाँ तक मुझे लग रहा है, हीरो कंपनी शायद इसमें कहीं ना कहीं एवरेज पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का जो एवरेज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, जहाँ तक अंदाज़ा मेरा आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी राइड करी है, जो वो यूज़र था वो बोला कि यार एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एवरेज बिल्कुल भी नहीं दे रही, जबकि हीरो पे जाते इसलिए क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा देती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि उसका एवरेज अराउंड 46-48 का जा रहा है, इतना खास नहीं है जहाँ पल्सर 150 पे जा रहा है, क्योंकि देखो ऐसी बात नहीं, पावर 0.6 उसमें ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा खा गया। लुक पर्सनली मुझे तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का पसंद है, अगर आपको लुक उसका क्या कहते हैं पल्सर 150 का पसंद हो तो आप उसको ले सकते हो। अगली जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ है कि देखो कलर वेरिएंट बहुत सारे अवेलेबल है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन, शायद इस बार मैट ब्लैक भी अवेलेबल है, और जहाँ पे अगर आप पल्सर की बात करो तो या पल्सर में वाइट अलॉय व्हील आ रहा है, पता नहीं वाइट अलॉय व्हील क्यों दे रही है कंपनी, मुझे तो पता नहीं यार क्या है, पूरी बाइक ब्लैक है और अलॉय व्हील वाइट है, पता नहीं क्या है, चलो ठीक है जैसे भी कंपनी की मर्जी हो वैसे ये चीज़ करे भाई, कंपनी की मालिक कंपनी का क्या बोले। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, थोड़ा सा अंधेरे की वीडियो है, सर्दी का टाइम है यार, आपको फॉग दिखाई दे रहा होगा तो यार आई एम सॉरी, क्योंकि एक्चुअली में वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो यार दिक्कत यह है कि बाइक काफ़ी कहीं ना कहीं मुझे दोनों बाइक पर्सनली पसंद है, अगर आपको रेस वेस करने का ज़्यादा शौक है, देखो एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आज के टाइम पर लोग एग्जॉस्ट यानी कि बाइक की आवाज़ कैसे कर रहे हैं यार, पल्सर की आवाज़ आप स्टार्ट हर कोई जानते कि पल्सर की आवाज़ सबसे या पल्सर की आवाज़ खास कोर से मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि पल्सर की आवाज़ मुझे खास कोर से पसंद नहीं है, क्योंकि पल्सर जो बाइक है उस बाइक की एक टाइम पे आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि पल्सर जबरदस्ती हम खींच रहे हैं और गंदी सी आवाज़ डालती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ये इसको देखा स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स के बाद थोड़ी सी बेस है, जैसे कि आपने पुरानी ग्लैमर देखी होगी, जैसे कि जो ग्लैमर मेरे पास है उस ग्लैमर में आपने आवाज़ देखी होगी तो उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं हैवी साउंड की आती है, अच्छी बात है। ये बाइक पर्सनली मुझे तो पसंद है क्योंकि मुझे जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है, अलग सा लुक आता है, काफ़ी बढ़िया, अगर हम इससे मॉडिफिकेशन करें तो काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, मैंने तो सोच भी लिया कि क्या है क्या नहीं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम खराब करने दे। सॉरी फिर से बोलता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक है यार, मैं भी तुम्हें शायद मेरी शेडो ही दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यार सर्दी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉग हो रहा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है आप लोगों को फॉग दिख भी रहा होगा, तो यार सॉरी इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। दिसंबर का टाइम है अराउंड, आज कितनी 23 तारीख है, 23 ऑफ दिसंबर है, तो इसके लिए यार सॉरी, तो जैसे मेरे पास न्यूज़ आई मैंने आपको दे दी, तो ओके बाय।